हे फूडीज, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ एक ऐसी रेसिपी जो बहुत ही हेल्दी होती है और बहुत ही टेस्टी होती है। इसे हम लोग सहजन या डोमेस्टिक बोलते हैं। आप लोग इसे क्या बोलते हैं बताइएगा जरूर। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और इसकी सब्जी मतलब एक बार बना लो लोग उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। चलिए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं। यहाँ मैंने सहजन और आलू को काट लिया है। सहजन का जो हम लोग का ऊपर का स्किन होता है उसको निकालना होता है। ये देखिए इस तरीके से ये लंबा लंबा होता है जिसे मैंने काट लिया स्किन निकाल के। पर मैं यहाँ आप लोग को बताने के लिए एक का स्किन निकाल के बता रही हूँ। फिर हम इसमें मसाले डालने के लिए मसाले ले लेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है लहसुन की कली, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लाल मिर्च, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और जीरा। इन सभी चीज़ों का हम बना लेंगे एक पेस्ट। यहाँ पेस्ट बन चुका है। यहाँ मैंने कुछ कटे हुए प्याज को ले लिया है। चलिए अब इसे बनाते हैं। इसके लिए कढ़ाई में हम डालेंगे तेल। तेल को थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे तेज पत्ता और आधा चम्मच हींग को। फिर हमने जो प्याज कट करके रखा था उसे भी इसमें डाल करके तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। यहाँ देखिए प्याज जब ट्रांसपेरेंट हो गया है फिर हमने इसमें जो मसाले का पेस्ट बनाया था उसे इसमें ऐड कर देंगे। और फिर हम इसमें थोड़े से मसाले और डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। इन सभी चीज़ों को डाल के हमें इसे मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद हम इसे ढक करके पकने देंगे। हम लोग मसाले को लगातार मिक्स करते हुए पकाएंगे। ये देखिए कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि हमारा मसाला अच्छी तरीके से पक जाएगा। जब मसाले तेल छोड़ दें तो इसका मतलब है कि मसाला अच्छी तरीके से पक चुका है। इसी टाइम पे हमने जो आलू और सहजन को कट करके रखा था उसे भी इसमें ऐड कर देंगे और मसालों के साथ मिक्स कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए बस मेरे सारे मसाले अच्छी तरीके से सब्जियों पे कोट हो गए हैं। फिर हम इसे ढक करके बराबर चलाते हुए पकाएंगे। लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक सब्जियों के साथ मसाले को पकाने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 ग्लास पानी को। और पानी को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसे ढक करके फिर से हमें पका लेना है। और कम से कम इसे पकने में 10 से 15 मिनट लगते हैं मीडियम फ्लेम पे। बस ये देखिए हमारी सब्जी बन करके तैयार है। इसे थोड़ा सा धनिया की पत्ती से गार्निश करेंगे और ये खाने के लिए एकदम रेडी है। सहजन के बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं। ये हमारी आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। एक बार इस सब्जी को बनाइएगा जरूर मेरे तरीके से। फिर आप भी कहेंगे वाह, आज की सब्जी खा के तो मज़ा ही आ गया। अगर आपको भी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।